हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमारा लेक्चर है रिगार्डिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करें, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 4 का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है ना। अरे वो क्वाड्रेटिक के कोई भी क्वाड्रेटिक सॉल्व तीन तरीके होते हैं। एक तो हमने किया मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से, ठीक है ना, फैक्टर करते जो भी है। एक आप कंप्लीटिंग स्केल मेथड, वो मेथड आपके सिलेबस से हट चुका है, पहले का हटा हुआ है ना, कि अभी कोरोना में ना, तो ये आपका अब नहीं है। और तीसरा मेथड क्या होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये भी एक ऐसा मेथड है जिससे आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो। ये तो मिडिल टर्म स्प्लिट था ना, मिडिल टर्म स्प्लिट में आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ता है ना। इसमें क्या है, आप बिना स्प्लिट के क्वेश्चन को मतलब एक्स क्यूब निकाल सकते हो। अरे आप पता है कि क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर, पहले देखिए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए क्या कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर, बी कोएफिशिएंट एक्स, और सी क्या आपका कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। अब होता क्या है, वो डी होता है, डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, कैपिटल डी शो करते हैं। डी के अंदर क्या होता है, बी स्केयर माइनस फोर ए सी, क्या होता है, बी स्केयर माइनस फोर ए सी। ये वैल्यू पुट करोगे यू विल गेट द डी, ठीक है ना। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहां स्टार्ट होता है ना। अब जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो एक्स की वैल्यू होगी ना, पता आपको। अब एक्स वैल्यू होती क्या है, एक्स इक्वल टू क्या होगा, मीन्स इनकम अल्फा बीटा होते हैं ना, ठीक है ना। तो ये फैक्ट ये आपके जीरोस हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइडेड बाई टू ए। एक्स इक्वल क्या होगी, माइनस बी, अब क्या माइनस रूट डी या अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई टू ए। सेम है, यहाँ पर ये क्या आपका माइनस है। तो क्या है, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन गेट, ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सिंपल सा है, डी निकालोगे पहले बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, आगे डी आपका, फिर एक्स निकालोगे दिस फॉर्मूले से और एक्स ए दूसरी वैल्यू, ठीक है ना। अब ये डी है, अंडर रूट डी है। अब बुक में देखो ना, तो बुक में आपको पा सकता है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यहाँ पता है अंडर रूट में लिखा हुआ ऐसे हो सकता है, तो लाइक दिस भी हो सकता है आपका, माइनस बी प्लस अंदर बी स्केयर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए। अब देखो मैं तो फर्क क्या, एक ही बात है बस, यहाँ पे सिंबल डी लिख दिया, यहाँ पे डी का एक्सप्रेशन लिख दिया बी स्केयर माइनस फोर ए सी। ये बी स्केयर माइनस फोर ए सी होता क्या है, डी तो होता है, ओके, तुम्हें कोई खास फर्क नहीं है, ओके। अब देखिए बच्चों क्या है इसमें आपका, लिसन, नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3। तो 4.3 क्वेश्चन फर्स्ट तो ये है कि फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट, ठीक है ना, ओके, बाय द मेथड कंप्लीटिंग द स्केल। हाँ, एक बात सुनिए बच्चों, अगर भूल गया, देखो आप जो डी होता है ना, डी के आसार ही पता लगा सकते हो कि किसी भी इक्वेशन के, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या आपके रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। देखो जैसे अभी आपने क्या ना, तो डी क्या था आपका, डी होता है आपका बी स्केयर माइनस फोर ए सी, ये कहते हैं डी के अंदर ना, ओके। पता है अगर रूट एग्जिस्ट करते हो तभी वो क्वेश्चन अभी हो पाएगा। हालांकि रूट्स एक होते हैं, रियल रूट्स होते हैं, इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स नंबर आपका 11th क्लास में आएगा। फिलहाल क्या आपका डी एंड बी के मैच को सोचते ना, मीन्स आप डी की वैल्यू फाइंड कीजिए, डी वैल्यू बन जाएगा कि फिलहाल क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन के आंसर आगे सॉल्व होगा या नहीं होगा, उसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, ठीक। तो कंडीशन क्या है, इफ ध्यान सुनिए, डी इज क्या नाम है आपका, हो मान लीजिए ग्रेटर देन जीरो, तो क्या होंगे, रूट्स आर रियल, आर रियल एग्जिस्ट एंड डिफरेंट, ओके। अगर ऐसा ना, अगर डी के रिस्पेक्ट जीरो होगी तो रूट रियल भी है, एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट होंगे, ठीक है ना, अलग अलग होंगे, मीन्स एक्स की अलग अलग वैल्यू होंगी। अगर इफ डी इज इक्वल टू जीरो तो भी क्या होंगे, रूट आर रियल, रियल होंगे, एग्जिस्ट करते होंगे एंड क्या होंगे, सेम या इक्वल, इसमें ये होगा। तो वही सेम चीज है, रूट्स रियल भी होंगे, एग्जिस्ट भी करते हैं, क्या होंगे आपके, लेकिन डिफरेंट है, सेम होंगे, जैसे एक्स इक्वल नहीं है ना, तो मैंने कोई क्वेश्चन कर लिया, वो में डी वैल्यू जीरो है, तो रूट्स क्या होंगे, सेम होंगे, मान लो एक्स वैल्यू फाइव, दूसरी वैल्यू फाइव ही आएगी, समझे ना। थर्ड क्या है, इफ डी इज लेस देन जीरो, अगर डी जीरो से छोटा हुआ तो क्या होंगे, रूट्स, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपके टेंथ में आएगा, और डजंट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट
ठीक है ना, मतलब रूल रूट से रियल भी और एग्जिस्टिंग करते हैं, मेरी बात करें तो रूट से एग्जिस्टिंग करते हैं, ये तीन कंडीशन है। तो आप डी से निकाल लोगे, डी की वैल्यू आपकी आएगी, ये डी आपका जीरो से बड़ा भी हो सकता है, जीरो छोटा भी और जीरो के इक्वल भी ना, तो ये आगे ग्रेटर देन जीरो है, तो रूट एग्जिस्ट करते होंगे, रियल होंगे और क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अगर डी के आपका इक्वल टू जीरो है तो रूट इसके में भी रियल होंगे आपके, एग्जिस्ट करेंगे क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे, और डी लेस देन जीरो है तो रूट एग्जिस्टिंग करते हो क्या, रियल भी नहीं होंगे। ओके, तो दिस इज रिगार्डिंग, मतलब ऐसे डी निकाल के पता चल सकते हो कि फलाने इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। ओके, सिंपल सा ये। नाउ दिस अरे बच्चे देखो ध्यान सुनिए, देखो क्या क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फर्स्ट तो आप कंप्लीट स्केल मेथड को आप स्किप कर सकते हो। सेकंड है फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन फर्स्ट अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा, क्वेश्चन सेकंड में क्या आ गया है, ये जो क्वेश्चन फर्स्ट में क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन सेकंड ये है कि क्वेश्चन फर्स्ट में जो क्वेश्चन है उन्हें करना है, अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं तो किससे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो मैं आपको क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिए, जो क्वेश्चन फर्स्ट के फोर पार्ट है वही क्वेश्चन सेकंड के फोर पार्ट है, बस क्वेश्चन फर्स्ट में कंप्लीटिंग स्केल मेथड करना है और क्वेश्चन सेकंड में क्या करना है, उन्हीं क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है। तो जो क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट होगा ना, वही क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट आप बोल सकते हो ना। तो जैसे मान लेता हूं मैं एक्सरसाइज कौन सी 4.3 और क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिस इज योर पार्ट थर्ड है ना। अभी जो पार्ट थर्ड है क्या आपका 4x2 ठीक है ना प्लस 4√3x और प्लस 3 = 0, फोर एक्स के प्लस 4√3x + 3 = 0। आपको पहले चेक करना है कि इसके है ना रूट एग्जिस्ट करते हैं, अगर करते हैं तो किससे करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो डी तो निकालना पड़ेगा ना आपको, क्या देखिए डी क्या होगा आपका, डी आपका b² - 4ac, चेक करोगे आप तो d = b क्या, देखो मुझे बता सकते बी क्या है, ए 4, बी क्या है 4√3 और सी क्या है 3। पर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c ना, तो कंपेयर कीजिए, इसमें a होगा 4, b होगा 4√3 और c होगा आपका 3। वैल्यू पुट कीजिए, b² मींस 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a मींस 4 और c मींस 3। ओके, नाउ सॉल्व दिस, d क्या आ गया 4√3² क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 और √3² 3, तो वही आ गया 4√3² कितना हो गया आपका 48 है ना, भाई 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 3, 16 3 48 माइनस 4 4 जा 16 ये भी 48 आ गया। तो d के लिए क्या है आपके, d 48 माइनस 48 0 आ गया ना। अब बता था अगर d के लिए 0 आती है या 0 से बड़ी है तो रूट एग्जिस्ट करते होंगे ना और रियल होंगे। अभी कहोगे बिकॉज d इज इक्वल टू 0 सो रूट्स आर रियल एंड एग्जिस्ट, मतलब रूट्स आर रियल एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट तो जरूर लिखना, रूट एग्जिस्ट करते हैं ना रियल तो होंगे ठीक है ना, क्योंकि डी जीरो आया। पहले आप देख सकते हो रूट एग्जिस्ट करते हैं, रियल और क्या इक्वल भी होंगे, सेम होते हैं ना आपको, अगर डी एलो क्या आपकी जीरो तो रूट्स इक्वल भी होते हैं। अभी आप देख भी लेना, आइए अब हम क्वेश्चन करेंगे। अगर मान लीजिए सोल्व करते हैं ना और इनमें इसमें डी एल कुछ आती है नेगेटिव आती है -5 - 10, तो क्या कहते हैं बिकॉज डी इज नॉट इक्वल टू जीरो या डी इज लेस देन जीरो सो रूट डजंट एग्जिस्ट, क्वेश्चन वही खत्म हो जाता। इस केस में क्या आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि डी एल जीरो आ गई या जीरो से बड़ी आती तभी खत्म नहीं होगा, फिर आपको क्वेश्चन आगे फर्दर करना पड़ेगा। क्वेश्चन एंड कब होगा, जब डी एल आते लेस देन जीरो आते तभी आप क्वेश्चन को वही खत्म कर दोगे ना। ओके, तो फिलहाल आप क्या है बी इक्वल टू जीरो है तो रूट एग्जिस्ट करते हैं रियल भी, अब हम इसके एक्स निकालिए ना। ओके, अरे एक्स क्या होगा, देखो ध्यान से एक्स क्या होता है आपका, ए तो होता है -b + √d/2a, और तो दूसरा एक्स क्या होगा, एक्स इक्वल टू -b - √d/2a, ये तो फॉर्मूला था आपको। अब वैल्यू पुट कीजिए, ध्यान देखिए माइनस क्या आपका बी, व्हाट इज बी 4√3 क्या हो गया 4√3 प्लस रूट डी, डी क्या था जीरो, तो ये देखो जीरो का स्केर, जीरो का स्केर रूट क्या होगा जीरो ही होगा आपका, मैं आप सीधा इसको सिंपल सकते हो, देखो डी एल पुट डी वैल्यू क्या आपकी जीरो, तो रूट जीरो जीरो और 4√3 प्लस जीरो वही 4√3 आ गया। मेन बात यह है क्या है 4 - 4√3 / 2a है, ए कितना आपका 4, तो 2 4 = 8, 2 × 4 भाई 2a ना 2 × 8, ए क्या आपका 4 है, 4 से 4 कैंसिल, तो आपका x कितना आ गया -√3 - √3/2, ये आ गया x की वैल्यू, समझे ना। अब दूसरा x देखो, मान लो ये चीज होगी x =
क्या है, माइनस बी, बी तो वही आपका फोर रूट थ्री, तो माइनस का फोर रूट थ्री, क्योंकि माइनस फॉर्मूले के अंदर है। अगर ध्यान एक बात तो सुनो बच्चों, अगर फोर रूट थ्री माइनस का होता ना, अगर मान लो माइनस होता तो बी के अंदर माइनस फोर रूट थ्री, तो एक माइनस ये, एक माइनस ये, तो प्लस बन जाता, ठीक है ना, ये माइनस फॉर्मूले के अंदर है। ठीक, बी के अंदर पुट करो बी साइन, अगर बी के नेगेटिव है किसी क्वेश्चन के अंदर तो माइनस वन बिकम प्लस, एक इस क्वेश्चन बी क्या आपका प्लस का है ना, पॉजिटिव फोर रूट थ्री, तो इसलिए क्या माइनस बी, अगर वही देखो माइनस रूट डी करोगे ना तो रूट डी क्या आपका जीरो, तो स्केयर रूट जीरो क्या होता है, जीरो होता है। और फिर किसी नंबर के साथ जीरो माइनस करोगे नंबर बताएगा, फिर फाइव माइनस जीरो का तो फाइव होता है, तो ये माइनस फोर रूट थ्री माइनस जीरो क्या होगा, माइनस फोर रूट थ्री रहेगा आपका। ओके, अपॉन में क्या आपका टू ए, टू इंटू ए क्या आपका फोर, फोर से फोर कैंसिल, क्या आ गया आपका नेक्स्ट माइनस रूट थ्री बाय टू। अभी चीज देखिए, तो अभी देखो इधर भी x माइनस का रूट थ्री बाय टू था, इधर भी x था माइनस रूट थ्री बाय टू, सेम आ रहे हैं दोनों। अब कहा था ना जब d के रूट जीरो होते हैं तो रूट्स क्या होते हैं, इक्वल और एग्जिस्ट करते हैं ना, सेम इक्वल भी होते हैं। उसी को बनाने यही है, देखो x के दो फॉर्म होते हैं ना, एक फॉर्म लगी है एक फॉर्म लगी है, जब d जीरो होगा तो यहाँ पे जीरो पुट करोगे, यहाँ पे जीरो पुट करोगे। अब कोई बात है, किसी नंबर में आप जीरो ऐड करो या जीरो माइनस करो, नंबर तो सेम रहेगा ना। यही कारण है कि जब भी टी के लिए जीरो होते हैं ना, तो आपके जो रूट्स होते हैं एक्स के हमेशा कहते हैं इक्वल आती हैं। जो जैसे इस क्वेश्चन में ना, यहाँ भी एक्स माइनस रूट थ्री बाई टू है, जब एक्स क्या माइनस रूट थ्री बाई टू है, तो आपका आंसर क्या आ गया, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाई टू और माइनस रूट थ्री बाई टू। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, तुमसे आपका थर्ड पार्ट, लुक दिस क्वेश्चन केयरफुली। ओके, अभी तो समझ में, हाँ ठीक है ना। तो ऐसे में क्वेश्चन पर डी निकालोगे, डी से वैल्यू आई जीरो, उसे हमें कंफर्म हो गया कि इसके रूट एग्जिस्ट करते हैं। फिर हमने फॉर्मूला होता है एक्स का, ये फॉर्मूला पुट किए, बी की ए की डी वैल्यू पुट की, सिंपल सोल्व किया, आप ये भी माइनस रूट थ्री बाई टू, वो भी माइनस रूट थ्री बाई टू आया, जो ये क्या इक्वल है, ठीक है ना। ओके, तो दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये तो इजी रहता है। मिडिल टर्म स्टूडेंट में क्या करते हैं, तो सोचना पड़ता है कि बीच की टर्म क्या टुकड़े करें, ये जोड़ा है ये मल्टीप्लाई है ना, इसमें पहले तो देखो इसमें खास बात ये भी है, इसमें पहले चेक ही कर लो, तो डी का चेक ही हो गया हमें पहले, भैया डी जीरो जीरो बुढ़े तो क्वेश्चन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए हम पहले चेक भी कर सकते हैं डी निकाल के, और बाद में क्वेश्चन को आगे सोल्व कर लेते हैं ना। ओके, अब ये बच्चों क्या है, इसी बेस पे कि आपके जो एक्सर फोर पॉइंट थे ना, उसमें इसके वर्ड्स प्रॉब्लम है, तो वर्ड्स प्रॉब्लम आपके वैसे इंग्लिश से थे 4.1 में था आई थिंक, वैसे वर्ड्स प्रॉब्लम है, आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे, इसको सोल्व करना है बस आपको, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए तो क्वेश्चन आया, तो मैं आपको रब दिस, देखो क्वेश्चन नंबर क्या आपका फोर है, ठीक है ना, क्वेश्चन फोर देखिए आप, देखो क्वेश्चन फोर में क्या कह रहा था आपको, द सम ऑफ रेसिप्रोकल रहमान एज इन इन इयर्स थ्री इयर्स एगो एंड फाइव इयर्स फ्रॉम नाउ इज, कैसे भी आई थिंक 37 है क्या ये, वो तो मिसिंग सा है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ कंफर्म सा नहीं है, क्वेश्चन फिफ्थ देख लो। क्वेश्चन सिक्स क्या है, तो बुक में तुम ज्यादा लिखा हुआ है इसके अंदर पता नहीं चलता। हाँ, तो क्वेश्चन सिक्स क्या है, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टेस्ट। देखो जो देखो मान को रेक्टेंगल फील्ड है लाइक दिस, ये क्या होता है रेक्टेंगुलर फील्ड, ऐसे वर्ड्स प्रॉब्लम है आपको कुछ नहीं है। रेक्टेंगल अब तो हर 90 होता ना, जो 90 जो भी है, तो क्या था डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट मतलब क्या विड्थ की बात कर रहा है, तो विड्थ होगी एक्स, तो डायगोनल कितना हो गया आपका 60 प्लस एक्स, ये हो ना आपका। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, जो लॉन्गर साइड है ना वो शॉर्टेस्ट साइड से क्या 30 मीटर ज्यादा है, मीन्स लेंथ की बात करें तो लेंथ होगी एक्स प्लस 30, सुन रहा है ना। और नहीं क्या, देखो जो डायगोनल है वो तो शॉर्टेस्ट साइड ब्रेथ की बात करें ना उसे 60 मीटर ज्यादा है, और जो लॉन्गर साइड में लेंथ है वो भी ब्रेथ से क्या है शॉर्टेस्ट साइड से 30 मीटर ज्यादा है। हो गया ये क्वेश्चन आपका जो भी थे ना। अब क्वेश्चन में ये है फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, तो आपको उस फील्ड की साइड निकालनी है, तो सिंपल सा है आपका रेक्टेंगल फील्ड, रेक्टेंगल लेंथ का होगा ना, मान लीजिए आपका ए बी सी डी, अब मान लो लेंथ विड्थ या शॉर्टेस्ट विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड है ना। ओके, मान लीजिए रेक्टेंगल फील्ड की विड्थ क्या एक्स मीटर, तो देयरफॉर लेंथ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फील्ड क्या होगी आपकी, दैट्स योर एक्स प्लस 30 मीटर,
और जो डायगोनल है ना, डायगोनल डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा आपका, दैट्स योर एक्स प्लस 60 या 60 प्लस एक्स एज यू विश, आप कर सकते ना मीटर जो भी है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, याद है ये क्या राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी है, क्यों एंगल बी 90 है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें आपकी पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होगी, बिल्कुल होगी ना। तो आप लिखोगे व्हाट यू विल राइट, ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका ए सी स्क्वायर, इजन बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है ना, कौन थ्योरम आपकी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। अब ए बी क्या आपका x, तो x का स्क्वायर, bc कितना आपका bc मींस x plus 30 का होल स्क्वायर इक्वल टू ac कितना आपका x plus 60, x plus 60 का होल स्क्वायर, यानी पुट कर दिया हमने ab bc ac की जो भी है। अब ये सॉल्व कीजिए, x का स्क्वायर क्या होगा आपका, आई एम डूइंग हियर x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x plus 30 का स्क्वायर a plus b का स्क्वायर, यहां पे x a और 30 b है, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मींस 900 ना, ओके और प्लस भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इनटू x इनटू 30 कितना हो गया प्लस का 16x इज इक्वल टू, अब यहां देखिए x प्लस 16 स्क्वायर क्या होगा a प्लस b का स्क्वायर x का स्क्वायर x स्क्वायर, 16 का स्क्वायर क्या होगा 3600 कितना होगा आपका 3600 और प्लस क्या आपका प्लस 2ab 2 into x into 60 क्या होगा 120x, understood, ये बन गया ना आपका। अब कट्टा काट दो क्योंकि इस x के से x के कैंसिल, ठीक है ना। अब साइड में लेफ्ट ले आओ, ये तो क्या आपका x के प्लस का 900 प्लस का 60x माइनस में लाइए माइनस का 3600 और माइनस का 120x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 0, है ना। ये 3600 120 में लेफ्ट में ले आया, understood। अब इसे देखिए क्या हो गया, तो आपका ये बन गया आपका x square 60 और minus 120 के और माइनस का 60x प्लस के 900 माइनस 3600 माइनस के 2700 इक्वल टू 0, ये बन गया आपकी इक्वेशन। देखो हालांकि चाहो तो सब मिड से कुछ तो मिडिल टर्म से है ना, माइनस 60x से टुकड़े करें जोड़ो तो माइनस 60x है और मल्टीप्लाई कर दिया माइनस का 2700, आपकी मर्जी है किसी मेथड से क्वेश्चन कर सकते हो, मिडिल टर्म से कर सकते हो या क्वाड्रेटिक से, और कोई स्पेसिफिक आ गया ना कि डू दिस क्वेश्चन बाय फैक्टराइजेशन मेथड तो क्वाड्रेटिक से उसे करो, क्या नाम है मिडिल टर्म स्प्लिट से, जैसे कुछ हमने एक्सरसाइज 4.2 में किए, और आपके स्पेशल ये आ गया कि डू दिस क्वेश्चन बाय द क्वाड फॉर्म तो आपको क्वाड्रेटिक से करना है डी निकाल के, ओके ना। तो आप आपकी मर्जी कैसे कर सकते हो, आपकी इक्वेशन बन चुकी है, फिलहाल मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से कर रहा हूं, ठीक है ना। आप चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्म से कर सकते हो जो अभी हमने बताया आपको, तो क्या होगा और हो सकता है मैं आपको सॉल्यूशन जो भेजता हूं मान लो भेजता हूं ना, तो उसमें हो सकता है क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिट से हो सकता है और या क्वाड्रेटिक फॉर्म से भी हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए हम इसमें देखो ध्यान से, मैं फिलहाल इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से कर रहा हूं, x स्क्वायर मैं माइनस 60x से लिखता हूं माइनस का 90x और प्लस का 30x और माइनस 2700 इक्वल टू 0, खुद देखिए माइनस 90 प्लस 30 कितना होगा माइनस का 60 और जब माइनस 90 प्लस 30 मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2700 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2700 एक्स बन जाएगा ना मींस मिडिल टर्म स्प्लिट से, ओके। अब यहां देखिए कुछ कॉमन है, एक्स कॉमन लिया एक्स माइनस 90 प्लस 30 कॉमन लिया ये भी एक्स माइनस क्या आएगा 90 इक्वल टू 0, फर्दर क्या कॉमन है आपका x माइनस 90 कॉमन लिया इधर भी आपका x प्लस 30 इक्वल टू 0, देखो x माइनस 90 इक्वल टू 0 और इधर से क्या हो गया आपका x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, x वैल्यू क्या आ गया आपकी 90, इधर से आपकी x वैल्यू क्या आ गया आपकी माइनस का 30 ना। अब x इधर ले है एक प्लस का 90 माइनस का 30, अब हमने x माना क्या था ब्रेथ ना चौड़ाई ब्रेथ, देखो तो अब देखो भी कोई डायमेंशन नेगेटिव हो सकती है, डायमेंशन कभी नेगेटिव होती डायमेंशन हुई एज हुई ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए हम एक्स वैल्यू किसको लेंगे 90 को, तो आपकी एक्स वैल्यू क्या होगी 90 है ना। फिर मैं इसको तदर्क कर रहा हूं, ठीक है ना, एक्स आगे 90 तो लिखोगे देयरफॉर विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितनी होगी आपकी एक्स, एक्स मीन्स 90 meter, अच्छा जी लेंथ ऑफ वेक्टर फील्ड क्या होगी एक्स प्लस 30 मीन्स 90 प्लस 30 सेट कर दूं 120 meter,
इन डायलॉग डायलॉग पूछा है, बस साइज पूछे ना, तो लेंथ होगी 90 और ब्रेथ होगी, सॉरी ब्रेथ होगी 90 और लेंथ होगी 120 मीटर, तो दिस इज योर आंसर। ये आपका क्या आ गया आंसर, जो आपको लिस्ट नीचे लिखना ना, ये तो बोर्ड का सॉरी इसमें यहाँ लिख दिया, ठीक है ना, आई बस समझ में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, सिंपल सा था, हमें रेक्टेंगुलर फील्ड थी उसकी जो लेंथ थी वो ब्रेथ से 30 मीटर ज्यादा थी और जो डायगोनल था वो ब्रेथ से 60 मीटर ज्यादा था। तो देखा जाए तो रेक्टेंगुलर फील्ड ट्रायंगल भी 90 होगा, तो हमने ट्रायंगल एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम फॉलो की, उसके अकॉर्डिंग करते करते वैल्यू पुट की ना, आपकी इक्वेशन ये बन गई ना, एक्स के माइनस 60 एक्स माइनस 27 इक्वल टू 0। फिर आगे इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, चाहे तो मिडिल टर्म स्प्लिट से करो चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, मैंने कहा इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करोगे तो यस ये आंसर आएगा, उसमें ये हो सकता है कि आपकी जो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाए ना, इसलिए मैंने इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से कर दिया और आपके एक्स से दो वैल्यू आई प्लस 90 और माइनस का 30। अब डायमेंशन में भी 90 हो सकती है, तो हमने क्या 90 कंसीडर किया है, तो आपकी विड्थ होगी 90 मीटर और लेंथ होगी 90 प्लस 30 120 मीटर, ओके। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों ये था 4.3 कुछ बेसिक, मतलब 4.3 में आपकी ऐसी वर्ड्स प्रॉब्लम है, ओके, कुछ सोल्यूशन आपको भेजूंगा, कुछ आपके नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, और क्या होगा आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, ओके स्टूडेंट्स, तो दैट्स योर टुडे क्लास, बाय।